नमस्कार मित्रों, मैं बंछा नदी पानी म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत। आज 27 अप्रैल शाम का 6 बज रहे हैं। आज के दिवस तक अभी तक 513 केस से कल से आज के नया 22 मिलकर कुल 535 केसेस हमको मिले हैं। कुल अभी तक पॉजिटिव केस सिटी एरिया में 535 है। मृत्यु के 2 केस आए हैं, एक मुमुदीन सिरकी 45 साल के, फुलवाड़ी विस्तार के कतारगाम जोन के हैं जिनका मृत्यु हुआ है, या और एक सांबी वी शेख 60 ईयर्स के, 60 बरस के हैं, फीमेल, आजाद चौक लिम्बायत के हैं। ये जो मिसेस शेख हैं 60 ईयर्स फीमेल, उनके डायबिटीज़ और बीपी थे और इनका मृत्यु आज हुआ है। और ये 2 केस जो मृत्यु हुआ है उसको मिलके सूरत सिटी में अभी तक के मृत्यु के केस 19 हुए हैं। मैं ये मृत्यु के केस में आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये खास करके हमने देखा है कि सूरत में अभी तक के जितने मृत्यु हुए हैं उसमें से 60% से ज़्यादा केसेस में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पाया गया है। मृत्यु कोरोना के केस में जब होता है तब कोमॉर्बिड कंडीशन, उसके दूसरे जो इलनेसेस हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम है, लंग डिजीज है और दूसरे हार्ट डिजीजेज हैं, ऐसे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खास करके ये जो वायरस कोरोना वायरस है उसके लिए लो इम्यूनिटी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं आपको विनंती ये करता हूँ कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बोला गया है उसको अगर हम सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी में बढ़ोतरी हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम ऐसे सब्जियां या फल फलादि खाएं जिससे आपके प्रोटीन बढ़ सकता है, आपके जिंक बढ़ सकता है, आपके विटामिन सी बढ़ सकता है, तो उसमें हमको इम्यूनिटी मिलता है। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करें। आज के दिन में हमारे कुल 19 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जो अगर डिस्चार्ज रेट देखेंगे तो लगभग 3.78 के आसपास है। उसे ये एक इंडिकेट ये होता है कि हमारा रिकवरी रेट अभी तक कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे वाले दिनों में हमारा रिकवरी रेट वो ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। हमारा रिकवरी रेट जो है एक बार बढ़े तो रिकवरी रेट के हिसाब से हमको काफ़ी एक साहस मिलेगी और ये जो लड़ाई है इसमें हमारे जो लोग रिकवर करेंगे उनसे जो है दूसरे लोगों को काफी मदद भी मिलेगी। जो पॉजिटिव केसेस जोन वाइज देखा जाए तो आज के दिन में सबसे ज्यादा जो केस मिले हैं वो बराछा ए विस्तार के हैं, उसमें 10 केस हमको मिले हैं। और उसके बाद अगर कोई एक विस्तार में ज्यादा केस मिले हैं तो कतारगाम के 7 केस मिले हैं और हमको रांदेर में 2 केस मिले हैं और उधना में 1 केस मिला है। ऐसे करके हमारे 22 केस कुल होते हैं और टोटल केसेस 535 होते हैं। सबसे ज्यादा जोन में लिम्बायत जोन 214 केसेस हैं, सेकेंड सेंट्रल जोन में 80 केसेस हैं, बराछा ए जोन में 77 केसेस हैं। जो हमारे टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में अभी तक हमने 10,422 सैंपल को टेस्ट किया है, उसमें से हमको 535 पॉजिटिव मिला है, 9,445
हमको नेगेटिव मिला है। हम पूरे देश में ऐसा एक शहर सूरत है जहां बहुत ज्यादा पैमाने पर मिलियन टेस्टिंग होता है। जो टेस्टिंग अभी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो इनकंक्लूसिव आने के कारण आगामी कल से हम उसको कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू करने का विचार है ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा विसंगतता जो है उसमें मिल रहा है, इसलिए उसको अभी इमीडिएटली उसको आगामी कल से इसको बंद किया जाएगा। जो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन फैसिलिटी, वो होम क्वारंटाइन में 1774 लोग होम क्वारंटाइन में हैं और कुल टोटल जो क्वारंटाइन है उसमें 2286 लोग हैं। मैं आपको ये भी बताने के लिए आनंद अनुभव करूंगा कि अभी तक हमारे जो क्वारंटाइन से जो लोग मुक्त हुए हैं ऐसे अभी तक 7766 पीपल, इतने लोग क्वारंटाइन से उनका क्वारंटाइन का समय सीमा पूर्ण हुआ है और वो लोग अभी जो है मुक्त आ, आ, कोरोना के जो क्वारंटाइन से वो मुक्त हुए हैं। इसमें जो 14 दिन का क्वारंटाइन पूर्ण हुआ है उसको अगर देखेंगे होम क्वारंटाइन के साथ, कुल 10492 लोग जो हैं वो अपना 14 दिन पूर्ण किए हैं। तो ये बहुत एक बड़ा नंबर है कि इतने सारे लोग अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूर्ण किए हैं और वो इस कोरोना का जो कहर है उससे वो निकल गए हैं, वो उससे वो मुक्त हो गए हैं। तो इससे ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हकारात्मक जो न्यूज़ ये हमारे सामने आया है और इससे हमको कोरोना के सामने जो जंग हम लड़ रहे हैं इससे हमको बहुत अच्छा बल मिलेगा। जो हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी हैं जो जोन वाइज हैं उसमें अभी 512 लोग क्वारंटाइन में हैं। हमारे कोविड केयर सेंटर उसमें 195 लोग उसमें क्वारंटाइन में हैं। आज एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट समरस के कोविड केयर सेंटर में हुआ। सुबह जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो कोविड केयर सेंटर समरस के जो दूसरे हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, दूसरे स्टाफ हैं, वो सब मिलके जो जो जितने सारे पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके साथ लगभग 5 मिनट तक सब लोग एक साथ ताली बजाए हैं और समूह में मतलब वो अलग अलग फ्लोर्स पर पॉजिटिव पेशेंट खड़े थे, हमारे जो मेडिकल स्टाफ थे वो ग्राउंड फ्लोर पर थे और ये पूरा जो है सब लोग एक दूसरे से बहुत दूरी रख के भी अपना ताली बजा के सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा आश्वासन दिए, दूसरे को प्रेरणा दिए और इससे एक जो एक बहुत ही एक अलग सा एक एनवायरनमेंट माहौल पैदा होता है, वो नकारात्मक से हकारात्मक के लिए प्रेरणा इस इंसिडेंट हमको देता है। इसीलिए कोरोना जो है पॉजिटिव दर्दी लगभग 195 लोग समरस हॉस्टल में है और ये अभी जिस हिसाब से कोरोना का न्यूज़ हर जगह कोरोना कोरोना है और सब लोग एक डिप्रेशन जैसे स्थिति में सब लोग एक निराशाजनक सब लोगों के यहाँ से जो मिलता है तो उसको ये एक हकारात्मक संदेश ये समरस हॉस्टल का इंसिडेंट देता है। इतने सारे पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद मेडिकल स्टाफ इतने खुश होके इतना मोटिवेटेड होके ये सब लोग एक साथ ये जो है परस्पर को आश्वासन दिया, यही एक शक्ति है, यही एक सॉलिडारिटी का शक्ति है जो जो कोरोना को हरा सकता है। मैं आप सब लोगों से भी अपील करता हूं, हम सब लोग शहर में साथ मिलके ये कोरोना को जरूर हराएंगे। जो एक्टिव और पासिव सर्वेलेंस से हमको जो एआरआई मिलता है उसको
बहुत ही कड़े ढंग से वार रूम से मॉनिटरिंग करके उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अभी जो है कोरोना जिस हिसाब से हमारे यहाँ सूरत सिटी में है, फिर भी हमको ये हमने ये नक्की किया है, निर्णय किया है कि जहाँ लेबर इन सिटू है, जहाँ लेबर जिस जहाँ काम होता है, वहाँ काम के स्थल पर अगर लेबर ऑलरेडी उपलब्ध है और वो लोग दूसरे किसी से आवन जावन नहीं होता है, लेबर संपूर्ण रूप से एक जगह है, तो उसी हिसाब से सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लगभग 28 काम ऐसे हैं जिसमें 4,290 जितने जो लोग हैं उसमें काम करते हैं, और इस ये जो स्थल हैं वहाँ लेबर इन सिटू होने के कारण हमने इतना काम चालू कर दिया है। आपको ये भी जानकर आनंद होगा कि सूरत शहर में हमने हमारे जो सखी मंडल हैं उनको ये मास्क बनाने का काम हमने दिया था, और 400 महिलाओं की जो सखी मंडल हैं ये लगभग 3,90,000 से ज़्यादा मास्क बनाए हैं, और हर महिला को दैनिक जो है 400 से 500 रुपये तक ये महिलाएं कमा रही हैं। ये काफ़ी एक अच्छा ये है। मैं ये चाहता हूँ कि आगामी महीनों तक हम सब लोगों को मास्क की जरूरियत पड़ेगी, इसलिए घर घर में अगर ये मास्क बनाए जाए तो सबके लिए ये उपयोगी होगा, और आगामी दिवसों में मुझे संपूर्ण ये है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये हमारा वे ऑफ लाइफ हो जाएगा और होना भी चाहिए। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमको ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना ये हमारा एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो इसीलिए हम अभी से प्रिपेयर होके, हम अभी से तैयारी करके ये मास्क का जो है वो घर घर में व्यवस्था होना चाहिए, सो दैट हम सब लोग आगामी दिनों में ये मास्क का उपयोग पूरा 100% सूरत शहर में हो जाए। सूरत महानगर पालिका के जोन में कुल 1,148 बेड क्वारंटाइन केयर सेंटर जो है वो का है, और अलग अलग जोन्स में भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का हमने किया है, जोन वाइज क्वारंटाइन सेंटर किया है और समरस को कोविड केयर सेंटर किया गया है। जो कोविड कमांडो हमने कुछ दिन पहले हमने जो एक अपील किया था, और माननीय मेयर श्री डॉक्टर जगदीश भाई पटेल जी भी कोविड कमांडो के हिसाब से नेतृत्व कर रहे हैं, वो हर दिन स्पीमेर हॉस्पिटल में जाकर उनका सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमको बहुत ही गर्व और गौरव है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी आनंद है कि श्री जयेश भाई मेवाड़ा सैदपुरा वो 30 लोगों के साथ कोविड कमांडो बनना चाहते हैं, और श्री आकाश भाई नवसारी वाला ये 5 लोगों के साथ कोविड कमांडो के रूप में काम करने का इच्छा व्यक्त किया है। ये जो सूरत महानगर पालिका के जिस हिसाब से काम है, अभी धीरे धीरे अलग अलग मेडिसिन्स, अलग अलग प्रिपरेशंस, अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अभी शुरू हो गया है। हमको सरकार श्री के तरफ से 10,000 पीपीई किट मिले हैं, हमको 15,000 N95 मास्क मिले हैं, 10,000 रबर ग्लोव्स मिले हैं, 25,000 अल्कोहलिक डिसइन्फेक्टेंट 350 ml का मिला है, और HCQS टैबलेट वो हमको 50,000 सरकार से ये आवंटन किया गया है। मैं मित्रों आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो नियम बना के काफ़ी कड़क रूप में कार्यवाही कर रही है। हमने 27 व्यक्तियों के ऊपर से 47,500 रुपया का जो है वो जुर्माना लिया है। मास्क ना पहनने पर 33 व्यक्तियों से हमने 33,750 रुपया जुर्माना लिया है,
और सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करने के लिए 15 व्यक्तियों के पास से हमने 3,100 दंड लिया है। कुल अगर देखा जाए तो लगभग 22 लाख रुपया से ज़्यादा हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने के लिए ये कुल अभी तक दंड किया गया है। सूरत शहर में खास करके जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे हजारों लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं, ऐसे सब्जी के जो बेचते हैं, ऐसे कार्ट हो या अनाज किराने के दुकान हो या मॉल सुपर स्टोर हो, सब्जी के मंडी हो या सब्जी दुकान की लारी हो या मेडिकल स्टोर हो या दूध दही की डेयरी हो या सड़कें हैं, ये जो है यहाँ से काफी हद तक लोगों को कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो ये सब स्थलों के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है क्योंकि यही स्थल है जहां से कोरोना बहुत ज्यादा संक्रमण हो सकता है। मैं सब लोगों से, जो लोग खरीदने जाते हैं और जो लोग बेचते हैं, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अभी तक, अभी जैसे आज के दिन में हमने 95,000 रुपया का दंड ये सब लोगों से लिया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आगे वाले दिनों में हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क नहीं पहनने के लिए और दुकान में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के लिए हम दंड ज्यादा करने वाले हैं और ज्यादा लोगों को दंड करने वाले हैं। हम ये अभी से कहना ये चाहते हैं कि सूरत में अभी जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है, इसमें धीरे धीरे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो कंप्लीटली अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो हम कड़क कार्यवाही करने से पर नहीं आएंगे। हम लोग जो है कई काल, मतलब जैसे कुछ इंसिडेंट हमको नज़र में आता है, नज़र के समक्ष आता है, ऐसे कुछ इंसिडेंट में अगर हमको ये पाया जाए तो मैं ये भी कहता हूँ कि जहां से ये पाया जाएगा वहां के पूरे विस्तार के लोगों को भी ये असर हो सकता है। क्योंकि आगे वाले दिनों में अगर कोई सोसाइटी ने वायलेट किया या कोई मोहल्ला ने वायलेट किया या कोई एरिया ने वायलेट किया तो उस एरिया को जो है ज्यादा दिन तक हम लोग लॉकडाउन में रखेंगे और संपूर्ण रूप से हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब फॉलो नहीं करने के लिए हम आगामी दिवसों में बहुत ही कड़क कार्यवाही करने वाले हैं, जिससे जो लोग इसका भंग करते हैं उनको सचेतन होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, नहीं तो आगे वाले दिनों में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत कड़क कार्यवाही करने वाली है। जो डिसइन्फेक्शन और वेस्ट कलेक्शन है, आज के दिन में 4,484 जगह के ऊपर डिसइन्फेक्शन किया गया। अभी तक 1,17,121 स्थलों पर डिसइन्फेक्शन किया गया है। जो भोजन की व्यवस्था है वो जरूरतमंदों के लिए किया जा रहा है और हमारे सूरत महानगर निगम से 1,34,150 लोगों को और सूरत महानगर निगम से अक्षय पात्र के थ्रू 1,16,000 लोगों को, और जो होमलेस हैं ऐसे 770, और जो बुजुर्ग हैं उनको 1,22,220 लोगों को, और अलग अलग स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा भी काफी फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आज के दिन में 9,64,055 फूड पैकेट्स एक दिन में, दोनों सुबह और शाम को मिलाकर इतना फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये बहुत ही एक बड़ा पैमाने पर लोगों का एक पॉजिटिविटी है, मानवीयता है। सूरत में जो मानवीयता देखने को मिला है, जो लोगों को मदद करने का मानवीयता देखने को मिला है, वो जरूर हमको कोरोना से फाइट करने के लिए बल देगा। मित्रों, आपको आज जो है मैं ये यही बताने वाला हूं कि आज के दिन से हमारा ये कोरोना के विरुद्ध जो है वो लड़ाई और सघन किया जाएगा। हम ट्रीटमेंट के ऊपर अभी ज्यादा फोकस करेंगे, खास करके स्लम एरियाज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होगा। आज हम लोगों ने देखा कि खास करके जो मीठी खाड़ी विस्तार का स्लम है
और जो उदरस भैया निचाल का स्लम बराछा विस्तार का है, ये दोनों स्लम ऐसे हैं जहाँ से हमको केसेस ज़्यादा मिले हैं, दूसरे स्लम्स अफेक्ट ना हो, और जिस हिसाब से जो रिस्क है, जो हाई डेंसिटी है, उसमें हम स्लम के ऊपर काफ़ी फोकस आगामी दिनों में ये करने वाले हैं। और हमको अभी के जिस हिसाब से हमारे क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, आज के दिन में हमारे 26 क्लस्टर्स हैं, और ये जो 26 क्लस्टर्स हैं, हमने ये नक्की किया है कि जो क्लस्टर में अगर 14 दिन तक कोई केस नहीं आएगा तो उसको ऑरेंज जोन घोषित किया जाएगा, और अगर ऑरेंज जोन में 14 दिन तक कोई केस नहीं आएगा तो उसको ग्रीन जोन में घोषित किया जाएगा। अगर ग्रीन जोन का कोई एरिया में एक भी केस अगर आए तो उसको ऑरेंज जोन में लिया जाएगा, और ऑरेंज जोन में अगर ज्यादा केस पाए गए तो उसको रेड जोन में लिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत ही इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग वायलेशन करते हैं, जो जहां केस ज्यादा आता है वहां ये लॉकडाउन का इफेक्ट ज्यादा समय तक और ज्यादा कड़काई में रहेगा, और ये जो जोनिंग अभी बहुत ही पक्का ढंग से किया जाएगा, तो जो जोन जिनको खास करके ग्रीन जोन में आना है, वो सब जोन के रहवासियों को, सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूर से मास्क का पहने, और एक भी केस ना आए ऐसा ये सब लोगों को देखना होगा। सिर्फ एक सोसाइटी को देखने से नहीं होगा। अभी हम ऐसे स्थिति में हैं कि जहां जहां हॉटस्पॉट है वो कहीं 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो कहीं बहुत छोटा भी एरिया है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा ये है कि अगर केस ज्यादा नहीं आएगा तो हम उसको एक जोन आइदर रिलैक्स करेंगे या एक जोन उसको और कड़क करेंगे। तो उसी हिसाब से ये नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से जोन में रहने वाले हैं, और तंत्र जो है वो अभी आगे के दिनों में केस ना बढ़े इसके लिए तमाम प्रयत्न धर रहा है। आपको फिर से आपको शुभेच्छा देके मैं रुक रहा हूँ। धन्यवाद।